हेलो गाइस, मैं पायल। वेलकम टू डीएनडी न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, सिंगर रागेश्वरी लूम्बा ने 90 के दशक में कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। उनके गाए कई गाने लोगों ने बेहद पसंद किए। अपने दौर में रागेश्वरी ने सैफ अली खान, गोविंदा, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी जैसे बड़े स्टार के साथ काम किया। छोटी उम्र से ही उन्होंने ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा था। रागेश्वरी सिर्फ 22 साल की थी जब उनका पहला म्यूजिक एल्बम दुल्हनिया रिलीज हुआ था। उन्होंने इस एल्बम के गाने गाए और इसमें एक्टिंग भी की। 90 के दशक के टॉप पॉप स्टार में रागेश्वरी का नाम शामिल था। हालांकि कैरियर के पीक पर पहुंचकर उन्हें एक बीमारी हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन एक्ट्रेस को अपने चेहरे में बदलाव हुआ। जब उन्होंने डॉक्टर से बात की तो रागेश्वरी को पता चला कि उन्हें पैरालिसिस अटैक आया था। इस वजह से रागेश्वरी का आधा चेहरा और चेस्ट सुन पड़ गया था। हालत इतनी खराब हो गई थी कि रागेश्वरी किसी से बात नहीं कर पाती थी। हालांकि योग और थेरेपी की मदद से धीरे धीरे उनकी हालत सुधरती गई, लेकिन इसके बाद उन्होंने गाना छोड़ दिया। रागेश्वरी ने साल 2012 में लंदन के एक वकील सुधांशु स्वरूप से शादी कर ली और दोनों अपने बच्चों के साथ लंदन में ही रहते हैं। वो अक्सर अपने फैंस के साथ इंस्टा पर खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हैं। पहले से रागेश्वरी का लुक काफ़ी बदल गया, अभी भी वो बेहद खूबसूरत दिखती है। रागेश्वरी की फिल्मों की बात करें तो उन्होंने साल 1993 में गोविंदा की सुपरहिट फिल्म आंखें से रागेश्वरी लूम्बा ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद वो अक्षय और सैफ अली खान स्टारर फिल्म मैं खिलाड़ी तुआ नाड़ी में सैफ के अपोजिट नजर आई। इनके अलावा रागेश्वरी दिल कितना नादान है, मुंबई से आया मेरा दोस्त जैसी फिल्मों में काम कर चुकी है।